देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजगायन, इसका सबसे बड़ा सबूत राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बीते शनिवार को मोहनलालगंज कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान योगी की तेज तरार पुलिस ने अपने मुख्यमंत्री के दावे को सच करते हुए पिछले 3 सालों से अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए न्याय की तलाश में भटक रहे रिटायर्ड फौजी को न्याय दिलाया और धोखेबाज दबंग प्रॉपर्टी डीलर के चंगुल में फंसी जमीन को मुक्त कराकर फौजी को कब्जा दिलवाया। आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नरेट के दक्षिणी जोन की एडीसीपी मनीषा सिंह और एसीपी मोहनलालगंज धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी शनिवार को समाधान दिवस में सुनवाई कर रहे थे। इसी बीच कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले सेना से रिटायर्ड सूबेदार बबन शाह ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई तो बिहार के रहने वाले रिटायर्ड फौजी की आंखों में आंसू देख एडीसीपी मनीषा सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को थाने बुलवाया और फौजी को न्याय दिलाते हुए उसे उसकी जमीन का कब्जा दिलवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 सालों से जिस जमीन पर उसे दबंग प्रॉपर्टी डीलर पैर तक रखने नहीं दे रहे थे, सोमवार को उसी जमीन पर भूमि पूजन के बाद उसकी बाउंड्री भी बनने लगी, जिससे खुश होकर बुजुर्ग फौजी बबन शाह और उसके बेटे सोनू ने जहां फोन से यूपी पुलिस और सच का साथ देने वाली न्यायप्रिय एडीसीपी मनीषा सिंह को मदद के लिए धन्यवाद दिया, वहीं दोनों हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर एसीपी मोहनलालगंज धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी के कार्यालय पहुंचकर अपने हाथों से एसीपी को खुशी मन से मिठाई खिलाई। उसकी खुशी देखकर एसीपी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी भी अपने आप को रोक न सके और अपने हाथों से बुजुर्ग फौजी का मुंह मीठा कराया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी व उसके बेटे ने न्याय मिलने पर योगी की यूपी पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आभार जताया। वही पीपीएन मंडल संवाददाता नवीन वर्मा ने पीड़ित फौजी से की बातचीत। आपका क्या प्रकरण था? सर, मैं एक सूबेदार बबन बोल रहा हूँ सर। मैं 2019 में एक प्लॉट लिया था सर, मोहनलालगंज मऊ में। उसके बाद कोरोना काल आ गया, फर्स्ट लोन में नहीं आ पाया बाउंड्री कराने के लिए। उसके बाद ये अपना दलाल ने हमारे प्लॉट को दूसरे आदमी की बिक्री कर दिया और मैं तो मेरे को आश्वासन देते रहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं बाउंड्री प्लॉट आपका जो है प्लॉट का बाउंड्री करा दिया हूँ। मैं उसके विश्वास पर रहा, मेरा प्लॉट जो है दूसरे को दोबारा बेच दिया। फिर मैं 2020 में आकर देखा तो वहाँ पर 2021 में देखा तो किसी और आदमी से बेच रखा है, बाउंड्री बेगर बाउंड्री किए हुए खाली ज़मीन दिखा करके दूसरे से बेच दिया। फिर उसके बाद मैं 2020 से उसके बाद दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर देता है। मेरे को बोला कि आपको जहाँ जाना है जाओ, प्लॉट भी छोड़ना पड़ेगा और पैसा भी जाएगा, और उल्टा में हमको धमकी दे रहा था कि आप हमारा राजनाथ सिंह का हमारा और ये संसद से विधायक से हमारा मिलाप है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इतना दूर से आता था, बिहार से छपरा से 500 किलोमीटर दूर से, और हमको बहुत महसूस होता था इस उम्र में, 65-60 की उम्र में हम बहुत नर्वस हो गए थे। शुक्रवार को एसीपी साहब के पास मैं आया, अपना सारे स्थिति बताया, अपना दुख तकलीफ बताया इनको। उन्होंने फिर विकास साहब को बुलाया, विकास साहब ने उसको बुला करके उसको मदद दिया। फिर उसके बाद उसने नहीं आया उस दिन, फिर शुक्र शनिवार को आया यहाँ पर थाने में। तो शनिवार को आपको कौन कौन मिला यहाँ थाने में? शनिवार को एसीपी साहब थे, मैडम आई थी मनीषा सिंह जी, मनीषा सिंह आई थी मैडम। उसके बाद विकास साहब भी, बहुत सारे साहब लोग हैं, मैं उनके साथ में बैठा हुआ था। एसीपी साहब ने देखा हमको, मेरे से इशारा किया, मैं आया मैडम के सामने, मैं जाके खड़ा हुआ। मैडम ने मेरे से सारे से पूछी क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताया मैडम को। फिर उसके बाद एसीपी साहब ने विकास साहब को आदेश दिया उसको बुलाने के लिए, इंदर को फिर फोन से बुलाया उसको, वो आया। उसके बाद एसीपी साहब ने मैडम ने हमारी समस्या को दूर कराई कराए
और उसको बोले कि इनका प्लॉट जो पहले का है वो प्लॉट दिखाइए, जाकर उनको अनुरोध करो। फिर उसने हमको अनुरोध किया, अपने मैं बाउंड्री करा रहा हूँ और लिखित रूप में एसीपी साहब ने और मैडम ने बोला कि इनसे लिखित ले लो। हैं तो